कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रजनीकांत सर की फिल्म जेलर के बारे में। बता दें, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेल्सन ने, और नेल्सन की फिल्मों में कुछ चीजें हमें देखने को हमेशा मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर से भरी होती है। तो कि उनकी पुरानी मूवीज देख लोगे, डॉक्टर या बीस्ट, तो उन्हें आप इन सब में उनके फ्लेवर्स आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, जिलन मूवी के अंदर रजनीकांत सर के साथ फर्स्ट टाइम वो काम कर रहे थे, और कितना कुछ उन्होंने करके दिखाया इस फिल्म के अंदर, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की स्टोरी जो है वो एक रिटायर्ड जेलर के ऊपर है, जो कि रिटायर हो चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन उसका बेटा एक पुलिस ऑफिसर है। एक दिन उसका बेटा एक केस की वजह से गायब हो जाता है। वो पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में कुछ गुंडों ने उसके बेटे को मार दिया है। उसके बाद क्या, रजनीकांत अपने बेटे का बदला लेने निकल जाते हैं, और ये पूरी कहानी इसी के ऊपर फोकस करती है। ये फिल्म रजनीकांत सर की है, तो रजनीकांत सर का स्वैग तो हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा ही, जो कि हमें प्रॉपर दिखता भी है। चश्मे घुमाने का सीन हो या फिर अपने फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठ के चुप रहने का जो सीन हो, भाई कमाल का लगता है। मतलब उनके हर एक थॉट्स पे, हर एक एक्शन सीन्स पे आप सीटी मारोगे। एक समय तो ऐसा भी आता है जब वो एक बंदे का गला ही काट देते हैं। फिल्म के अंदर सिर्फ एक्शन ही नहीं भरा हुआ है, फिल्म के अंदर थ्रिलर भी आपको देखने को मिलेगा, और हाँ, साथ ही साथ फिल्म के अंदर एक प्रॉपर कॉमेडी देखने को मिलती है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म के अंदर जबरदस्ती कॉमेडी डाली गई है, बल्कि वो सीन में आप लिटरली हंसोगे। चाहे वो विलन के साइड के लोग हो या फिर योगी बाबू हो, आपको हंसाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। फिल्म की कास्टिंग भी कमाल की है। फिल्म के अंदर हमें शिव राजकुमार, मोहनलाल और जैकी श्रॉफ जैसे कमाल के कलाकार भी देखने को मिले हैं, और इनका रोल भी एक प्रॉपर रोल था। मतलब इनका आप कैमियो समझ लो या फिर एक प्रॉपर एक टर्निंग पॉइंट पे रोल समझ लो, लेकिन जब भी ये आए हैं अपना छाप छोड़ के गए हैं। इस फिल्म का विलन जो है एक्चुअल में एक साइकोपैथ विलन टाइप के दिखाया गया है। मतलब किस बंदे को देख लो तो भाई हर एक चीज पे कुछ अलग ही टाइप का रिएक्शन देता है। इसका लुक देख लो या फिर इसके जो स्पीच लाइन डायलॉग्स जो है वो भी एक साइकोपैथ विलन टाइप का ही लगता है। पूरी फिल्म के अंदर जो बीजीएम है वो भी कमाल का डाला गया है। रजनीकांत का एंट्री सीन हो या फिर उनके एक्शन टाइम का सीन हो, उस समय बीजीएम हो या फिर जैकी श्रॉफ, मोहनलाल और शिव राजकुमार के एंट्री के समय जब वो बीजीएम बजता है, तो सुनो भाई कमाल का फील देता है। वहीं पे जो विलन के लिए बीजीएम यूज किया गया है वो भी अच्छा प्रॉपर फील आता है। वहीं बता दें कि फिल्म की कहानी एट लास्ट एंड होते होते मुझे लगा फिल्म खत्म हो जाएगी, लेकिन लास्ट के जो 30 मिनट या 20 मिनट के आसपास जो टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं वो भी कमाल के हैं। मतलब मुझे लगा था कि शायद ये फिल्म जो एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, नेल्सन ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हम आपको छोड़ दें हैप्पी एंडिंग के साथ। इस फिल्म के साथ हमें कुछ टर्न एंड ट्विस्ट लास्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि लिटरली हार्ट ब्रोकन एंडिंग ही थी। मतलब यदि चाहते नेल्सन तो उस सीन को नहीं डालते, उस मोड़ को जो उन्होंने डाला है यदि वो नहीं भी डालते तो शायद एक हैप्पी एंडिंग हो सकती थी। लेकिन भाई उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हम ऑडियंस को कैसे एक हैप्पी एंडिंग मूवी दे दे, तो उन्होंने सिंपली एक ऐसा टर्न एंड ट्विस्ट दे दिया जिससे ये जो फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के मोड़ पर जा रही थी उससे कट करके एक सैड एंडिंग में बदल जाती है। ओवरऑल ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। ऊपर से रजनीकांत सर की इस लेवल की परफॉर्मेंस देखने के लिए ऑडियंस बेकरार थे, तो मैं कहूंगा कि भाई रजनीकांत सर के लेवल की फिल्म बनाई गई है, और टॉप लेवल की नेल्सन सर की डायरेक्शन है। फिल्म के अंदर हमें एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी भर भर के देखने को मिली है। ऊपर से जो एक्शन सीन से जो ब्लर्स देखने को मिले हैं तो मैं कहूंगा कि भाई बच्चों को दूरी रखना है इस फिल्म। कॉमेडी में तो भाई बहुत अच्छी कॉमेडी है, लेकिन एक्शन सीन जब आते हैं तो काफी ज्यादा ब्लड्स बहते हैं। यदि आपने देख ली इस फिल्म तो आपको कैसी लगी फिल्म, नीचे कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।